हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद प्राइड। आज भी मार्केट में कुछ खास नहीं रहा, बैंक निफ्टी में भी पूरा दिन साइडवेज रहा। निफ्टी में थोड़ा सा स्लाइड किया कल, जैसे एक स्टॉक की वजह से, रिलायंस की वजह से भागा, आज उसी रिलायंस की वजह से गिरा। तो बट हम लोग का निफ्टी का वीकली टारगेट पूरा हो गया था एनीवेज। बट अभी जो बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है, एक थोड़ा सा अप मूव दिखाई दे रहा है या फिर डाउन मूव जो भी हो, कल थोड़ा सा एक हो सकता है। लेकिन फिर भी कल बिफोर बजट का सेशन है, तो उतना ज़्यादा एग्रेसिव मत होना। तो 45,200 के नीचे 44,950 तक जा सकता है और 45,500 के ऊपर 45,750 तक जा सकता है। 250 पॉइंट का एक मूव आपको मिल सकता है। और परसों बजट है तो इसलिए थोड़ा सा आपका साइडवेज रहेगा, स्पाइक्स आएंगे। आज भी देखा होंगे, कल भी देखोगे, एक एक कैंडल में स्पाइक्स आते हैं खाली, तो खास कुछ रहा नहीं। आज तो पूरा ऑप्शन सेलर का मार्केट था। हाँ, तो बैंक निफ्टी में कल भी कुछ ज़्यादा नहीं, ये आपको मैं चार्ट दे दूंगा। तो जस्ट ये 200-250 पॉइंट के लिए खेलना। और अगर यहाँ पर ओपन होके, अभी देखना है कि गैप अप ओपन होके तोड़ता है, उस लेवल पे जाता है, फिर साइडवेज रहता है, गैप डाउन ओपन होके तोड़ता है, क्या होता है वो तो कल देखा जाएगा। बट यही लेवल दिखता है मुझे, क्योंकि इससे ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए कल। और क्योंकि जो मूव करेगा एग्रेसिव वाला, वो परसों करना चाहिए, ठीक है। तो अभी निफ्टी भी ज़्यादा कुछ, निफ्टी में तो कल ट्रेड है ही नहीं, क्योंकि अभी इसमें आपका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। आप कहाँ ट्रेड करोगे? आज कल ऊपर गया, आज नीचे आया, अभी बीच में खड़ा है। अभी यहाँ पर कोई ना कोई स्विंग बना है, ना कोई कुछ है, तो इसको कल अवॉइड करो और कल का दिन देख लो। क्योंकि परसों बड़ा इवेंट है, तो परसों बहुत मूव आएगा। और कल मैं बजट के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा अच्छे से, कि कैसे ट्रेड करना है, क्या नहीं है। और मैं कुछ फार्मूला दे दूंगा आप लोगों को, कुछ फार्मूला टाइप्स का, मतलब कुछ टिप्स दे दूंगा अच्छे से, आप उसके साथ ट्रेड कर सकते हो। जैसे आज फिन निफ्टी में भी हम लोग ने कल डिस्कस किया था कि उसके नीचे से 80 और समथिंग उससे नीचे आपका सेल बने। लेकिन देखो, अगर कोई ऑप्शन सेल किया होगा तो पैसा मिला होगा, लेकिन आज तो पूरा साइडवेज मार्केट रहा। और एनीवे बजट से पहले 2-3 दिन ऐसा ही रहता है, साइडवेज टाइप का रहता है मार्केट, और बजट के दिन ही कुछ वायलेंट मूव देता है। तो बजट के लिए रेडी हो, और अगर इस साइडवेज मार्केट में ज़्यादा कैपिटल लूज़ कर दोगे तो बजट में आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो गो विथ मिनिमम क्वांटिटी, और बजट में थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहो, 2-3 ट्रेड लो, अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा। क्योंकि बजट में अक्सर बहुत वायलेंट मूव देता है, कभी कभी तो 1500 पॉइंट अप, देन 2000 पॉइंट डाउन, मतलब 3500 पॉइंट का बैंक निफ्टी, 1400-1500 पॉइंट का मूव निफ्टी में मिलता है, ऐसा भी मूव मिलता है। तो आपको अगर वो दो मूव से एक मूव भी कैच कर पाओ, अगर 600-700 पॉइंट आप निफ्टी में, और अगर 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी में कैप्चर कर पाओ, तब तो हो गया आपका। तो वही है, कल बजट के लिए अच्छा वीडियो एक बनाते हैं अच्छे से। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।